ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिए थे। ये उस जमाने की सबसे पढ़ी लिखी अभिनेत्रियों में से एक थी, नाम लीला चिटनेस। तो मेरी तस्वीर पत्रिका में छपी है? जी हाँ। कौन थे वो सब? शहर से एक बड़े फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मेरी तस्वीर ली थी झूले पर। ओ, कैसी लगती हूँ मैं उसमें? बहुत अच्छी। सच? लीला चिटनेस का जन्म कर्नाटका में हुआ। इनके पिता अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, इसीलिए लीला चिटनेस ने उस जमाने में ग्रेजुएशन की और फिर ये आ गई नाट्य मनवंतर में। ये एक थिएटर ग्रुप रहा और इस थिएटर ग्रुप में ये मराठी नाटक किया करती थी। मैं आज महिला मंदिर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा जी अच्छा नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, यही सिर दुख रहा है। मैं अभी दवा लाती हूँ। रहने दे गीता, ऐसे ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, कहीं बुखार आ गया तो? मैं अभी लाई। ये ग्रुप इब्सन, शॉ, स्टानिस्लावस्की के मेथड से बहुत ज्यादा प्रभावित था। शुरुआती दौर में लीला चिटनिस ने जो स्टेज पे काम किया उसमें उसना नावरा और उदयचा संसार नाटक बड़े मशहूर हुए। अगले महीने नवदीप बैरागी के साथ मेरा ब्याह होगा। तुम्हारे पिता खर्च देंगे। तुम्हारा ब्याह नवदीप के साथ नहीं होगा। तो क्या मैं 200 बरस का पुराना मठ जल जाने दूं? ये मेरे बाबा के लिए मौत से भी बदतर होगा। ये बात भी गौर करने लायक है कि लीला चिटनिस दरअसल फिल्मों में क्यों आई। ये अपने 4 बच्चों का भरण पोषण करना चाहती थी, इसलिए बतौर एक्स्ट्रा इन्होंने शुरुआत की और वो भी स्टंट फिल्मों में। 1937 में फिल्म आई थी जेंटलमैन डाकू। इसमें लीला चिटनिस ने वो किरदार निभाया जिसमें एक महिला पुरुष के रूप में दुनिया के सामने आता है। जाके कह दो अपने सतीश बाबू से मैं प्रेम नहीं कर रही थी। तुम दोनों के प्रेम का नाटक देखकर मैं वहाँ जाके बेहोश हो गई थी। मुझे दोष देने चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी तो मुझसे क्यों ना कहा? लीला चिटनिस उस जमाने की प्रगतिशील फिल्मों में भी नजर आईं, जैसे कि कंगन। तुम मेरे हो गए, इसी आशा को लेकर अब मैं जिंदा रहूंगी। अगर यह आशा टूट गई तो तुम्हारे कंगन तुम्हें सौंप कर नदी में डूब मरूंगी। बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाली देविका रानी की जगह लीला चिटनिस ने ले ली और इसमें कुछ ज्यादा वक्त भी ना लगा। सिर्फ देविका रानी की जगह ही नहीं ली बल्कि बॉम्बे टॉकीज के ओनर हिमांशु राय के फेवरेट हीरो अशोक कुमार की ये हीरोइन भी बनी। क्या कहते थे रहमान भैया? तुम बिन नहीं आवत चैन। ओ, क्यों विश्वास नहीं होता? कैसे हो आप, तो शहर जाके मुझे भूल ही गए थे। नहीं गीता, मुझे माफ करो, मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूँ? जाइए। आजाद, बंधन, झूला ये फिल्में बड़ी मकबूल हुई। 1940 के दशक के मध्य में लीला चिटनिस बतौर माँ के किरदार निभाती नजर आने लगी, चाहे वो दिलीप कुमार स्टारर शहीद रही या फिर राज कपूर की फिल्म आहवारा और देवानंद की फिल्म गाइड को कौन भूल सकता है। इन तीनों दिग्गजों की माँ का किरदार इन्होंने निभाया था। माँ से कफन की बातें कर रहे हो और फिर कहते हो डर किस बात का? ये बात माँ के दिल से पूछो। अब मैं क्या करूँ? तुम फिक्र ना करो माँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चले जाओगे? कहाँ? और तुम्हारे पिताजी को क्या कहूंगी मैं? वो सही वाकया जानना चाहते हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी आज की बात और एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी कि किसी से ना कहना। ये सारी बातें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी चंदेरी दुनियात में लिखी है। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि यूं तो ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी लेकिन इनके पिता ब्रह्मो सामाजिक बन गए थे। इन्होंने शादी की थी डॉक्टर गजानन यशवंत चिटनिस से, तब इनकी उम्र मात्र 15 या 16 की थी और इनके पति इनसे उम्र में काफी बड़े थे। ये अपने पति के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शरीक हुई थी लेकिन इनके और इनके पति की बनी नहीं और तलाक हो गया। उसके बाद ये बतौर स्कूल टीचर काम करती रहीं और इसी तरह से ये फिल्मों में भी आ गईं। डॉक्टर आएगा, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा, पुलिस आएगी, मुकदमा होगा, जेल, फांसी। इनके 3 बेटे हुए। इनके बेटों के नाम रहे मानवेंद्र, बिनॉय और राज। उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर मास्टर विनायक के साथ ये नजर आई थी छाया में, सोहराब मोदी की फिल्म जेलर में और फिर ये फेहरिस्त लंबी बनती गई। बिमल रॉय की फिल्म माँ में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। ये अपनी आंखों से अपने जज्बात बयां कर देती थीं। यही वजह रही कि लीला चिटनिस ने एक लंबी पारी खेली। आज अपनी दौलत के जोर पर आप एक बेटे को उसकी माँ के घर से निकालने आ रहे हैं, मगर ये आपका महल नहीं है, जहाँ से जब चाहे आप उसको निकाल दे। ये उसकी माँ का घर है, यहाँ से उसे कोई नहीं निकाल सकता। और फिर धीरे धीरे ये फिल्मों से दूर हो गई और 14 जुलाई सन 2003 वो तारीख बनकर आई जब महान अभिनेत्री लीला चिटनिस ने हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कह दिया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए
सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।